दरिंदगी की इंतहा 8 लाख नहीं होने पर दुपट्टे से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश। प्रेस वार्ता कर मीडिया को दिया जानकारी। बता दें, झरिया के शिमला बहाल बस्ती के रहने वाली आफरीन अख्तर की शादी भुलन बरारी के रहने वाले शहबाज अंसारी से वर्ष 2022 में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद 2 लाख रुपए की मांग किए जाने लगी। लड़की की पापा ना होने के बाद भी मां किसी तरह 2 लाख का इंतजाम कर दी, लेकिन 13 जनवरी 2024 को फिर एक बार 8 लाख की मांग कर दिया। वहीं लड़की ने मना किया तो सास ससुर ननद देवर और उसके पति मिलकर मारपीट शुरू कर दिया। वहीं दुपट्टे से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने लगे। किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर भागी और जान बचाई। ये सारी बातें मीडिया के सामने ससुराल वालों से तंग आकर पीड़ित महिला ने बताई। 13 जनवरी को शाम 7 बजे क्या हुआ था? 13 जनवरी को बस मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहे थे हम। मेरे हस्बैंड का मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था, उसको निकाल के हम अपना लगा रहे थे। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए, उतने में बोलने लगे कि तुम मेरा मोबाइल चेक करती हो। इतने में हम बोले मोबाइल नहीं चेक कर रहे थे, बस परसेंटेज देख रहे थे। परसेंटेज बस बोले ही थे, इतने में मारना वरना स्टार्ट कर दिए थे। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद बाहर चले गए। फिर हम खाना बनाने लगे। खाना जैसे बनाए रहे थे तो इसमें कि मेरी सास थी मेहरुनिशा, मेरा ससुर थे आज़ाद अंसारी, ननद देवर और मेरे हस्बैंड और हस्बैंड के दो चचेरे देवर, ये सब आए मेरा पीछे से गला दबाने लगे थे मेरे दुपट्टे से। फिर क्या हुआ? फिर मैं बहुत मतलब अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। दो दो हीटर जल रहे थे। मेरे बाबू मेरे पास ही बैठी हुई थी। मेरी बाबू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, तो उतने में मेरा बस मेरा वो लोग गला ही दबा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं रोने लगी कि मेरे बाबू जल जाएगी वो, क्योंकि वो हीटर के पास जा रही थी। तो हम रोने लगे कि मेरा बाबू मर जाएगी, मेरा बाबू मर जाएगी। इतने में जब उन लोगों का जैसे कि मेरा दुपट्टा ढीला हुआ गर्दन का, वैसे हम छोड़ाए सीधा सीधा बाहर निकल गए। दरवाज़ा दूसरे का बगल वाले पड़ोसी का पकड़ लिए, पकड़े ही उतने में फिर मेरी सास ननद और मेरा हस्बैंड देवर ये लोग आके हमको पूरा उठा लिया गोदी से, और हम पड़ोसी का दरवाज़ा पकड़े रह गए थे ज़ोर ज़ोर से कि बजाने लगे कोई मुझे बचा ले। लेकिन एक मिनट के अंदर ही सब लोग बाहर आ गए। अगर नहीं वो लोग नहीं आता तो हम उस दिन नहीं बचते। केस हुआ था जी, उस दिन केस भी हुआ था और मैंने 100 नंबर पे कॉल भी किया था। कॉल किया उसके बाद पुलिस आया, 100 नंबर पे जो पुलिस कॉल किए हम। फिर इसके बाद वहाँ के जितने भी लोग हैं गांव वाले सब मुझे मतलब दबाने लगे कि नहीं तुम्हारी गलती है, तुम मार सब खा, सास का भी मार खा के रहोगी, ननद का भी, हस्बैंड का भी, सब मार सकता तुम्हें। हम बोले कि नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो वो लोग कहने लगे नहीं तुम्हारी गलती है, तुम गलत कर रही हो। मुझ पे मतलब इल्ज़ाम लगाने लग गए। पुलिस भी आई तो पुलिस ने भी वहाँ पे कुछ नहीं किया। पुलिस ने बस बोल दिया कि बस पारिवारिक विवाद है इनका, आपसी बस ऐसी छोटा मोटा झगड़ा है। हम जब भी बोले कि नहीं मेरा गला दबाया गया, मुझे मारा गया, तो ये लोगों ने कुछ नहीं कहा। उन्हीं के पुलिस वालों के ऊपर ही वो लोग चढ़ गए गांव वाले। अच्छा, हॉस्पिटल आप गए थे ना जी? डॉक्टर क्या बोला था? डॉक्टर इंजरी दिया था जी, डॉक्टर ने इंजरी भी दी। तो अभी मतलब क्या हुआ? ये 307 लगा था तो क्या हुआ जी? अभी DSP के पास गए थे सिंदरी, तो वहाँ से पता चल रहा है कि 307 जो है हटाया जा रहा है लड़के पे। आप क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि बस इंसाफ मिले मेरे और मेरे बच्चे को। लड़का कभी गिरफ्तारी हुआ है? जी, लड़के का गिरफ्तारी भी हुआ था और अब जमानत भी मिल गया है। घटना कहाँ का था, कौन सी जगह का? भूलन बरारी का था। अब क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि बस इंसाफ मिले, और यही है कि हम तो अब भी उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ छोटी बच्ची है, मेरा बाप नहीं है, मेरा छोटा भाई है, तो इसलिए अपने बच्चे के लिए बारे भी सोच रही हूँ मैं, इतना होने के बाद भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आफरीन अख्तर।